पिताजी के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छा थी हमारी पिताजी के दर्शन करने के लिए, पहले भी करके गए हैं और अब भी बहुत मन है पिताजी दर्शन करने के लिए आए। भैया और मेरी मम्मा अपने पूज्य गुरुजी को अपने भगवान की तरह मानते हैं, अपने दिल का प्यार है। साध्वी यौन शोषण मामले में जेल काट रहे बाबा राम रहीम जी, इसको इस बार भी न्यायालय ने जो है 40 दिन की पैरोल दी है। उन्होंने एक बार फिर से जो है यूपी के बरनावा स्थित जो उनका डेरा है उसको अपना ठिकाना चुना है। इससे पहले भी वो जो है 2 माह पहले यहाँ पर अपनी 30 दिन की पैरोल काटकर जा चुके हैं। इस बार भी जो उनको 40 दिन की पैरोल मिली है वो फिर यहाँ बरनावा डेरा पहुँचे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो बरनावा डेरा है जहाँ पर बाबा 40 दिन तक अपनी पैरोल पूरी करेंगे और यही अपने अनुयायियों को जो है लाइव प्रसारण के माध्यम से, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है संबोधित करेंगे। इसी डेरे में जो है बाबा ने 2 महीने पहले भी अपनी 30 दिन की पैरोल पूरी की थी और यहीं से फिर वो सोनारिया जेल रोहतक चले गए थे। अब न्यायालय से उनको 40 दिन की पैरोल मिली है, जिसके बाद आज सुबह बाबा 8:50 पर डेरे में पहुंच गए हैं और इसी मुख्य द्वार से बाबा जो है अंदर गए हैं और वो अब 40 दिन तक यहीं रहेंगे। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है, PSC तैनात कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो है अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो भी उनका अंदर व्यक्ति अंदर जाएगा वो विशेष चेकिंग के, और जिसके पास अंदर से अंदर आने की परमिशन होगी वो ही वहाँ पर अंदर जाएगा। बाबा से फिलहाल मिलने की किसी को इजाज़त नहीं दी गई है और बाबा जो है अपने डेरे में सुरक्षित पहुँच गए। हम बड़ौता है, यहाँ डेरे पर पहुँचे हैं, किस लिए आए? हम तो अपने सतगुरु के पास। कैसे पता चला वो आपको आए हुए? सब ब्राह्मण ने पता लग गया, हमारे गुरु जी आने वाले। कैसा लग रहा है? अच्छा लगे, हम अपने गुरु का प्यार है। तो इनका आरोप लगते रहे, झूठे हैं सब झूठे। 40 साल हो गए ना हम लोगों को, सब भगवान प्रसाद परमात्मा का भागते हैं और कुछ नहीं, किसी पता लेता ना लेता। 140 कार्य ले चला रही धर्म के, पेड़े पौधे शादी खूनदान सब कार्य ले, कोई गुरु नहीं चला रहा जितने। आप इनसे कब से जुड़ी थी? कैसे 40 साल हो गए। कैसे जुड़ी थी? कैसे संपर्क में, मतलब यहाँ के संपर्क में कैसे आए थे डेरे के? हम पर संपर्क में थे जब जहाँ सभी आवे थे और हम भी आगे थे। हाँ वो थे गादी वाले थे, और जब तक परम पिता शास्त्र नाम जी थे उन्होंने फिर हजूर पिताजी ये बैठ लगे थे गद्दी में। ये तो भगवान का बात बतावे, परमात्मा लेते ना किसी पद देते। और जो है हमें इतनी खुशियां, इतनी शांति, इतना रंगा दिया सतगुरु ने, कुढ़ाड़ा दिया सब कुछ दे रहे भी ना। वो जो दिल में परमात्मा का जो शब्द चल रहा उसने मुक्ति का दाता भी दे और धन दौलत भी दे रहे, और वे जो चाहे वही मिल रहा, जो चाह हम वही मिल रहा। भगवान सतगुरु को भगवान गुरु गोविंद करे गुरु भगवान ये सो रास्ता भगवान का बतावे। और बिना गुरु हमें राम नहीं पावता, राह नहीं पावता, हम नहीं फिरते सड़ते मरते मरते। भाई जी हम डेरा सच्चा सौदा से सन 2000 से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सोनू है जी। हम यहाँ हमारा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। हम लोग मेरठ से आए हैं जी, मेरठ दक्षिण लगता है हमारा ब्लॉक। हमारा पूरा परिवार दरबार से जुड़ा हुआ है। हम अपने पूज्य गुरु जी को अपने भगवान की तरह मानते हैं जी। और अब हम पहले पिताजी 30 दिन के लिए आए थे, 30 दिन की पैरोल पर, तब भी हमारा पूरा परिवार दर्शन करके गया था, सेवा करके गया था। और अब भी जैसे पता लगा कि भाई हमारे गुरु जी को 40 दिन की पैरोल मिली है, तो हमारा पूरा परिवार, मम्मी तो ऑलरेडी हैं यहीं पर, बाकी मैं, सिस्टर और भाई वगैरह आए हुए हैं, तो सभी आए हुए हैं। तो अपने पूज्य गुरु जी के दर्शन के लिए हम सभी आए हैं जी। और आप आसपास भी देख सकते हो काफ़ी साथ संगत आई हुई है जी। और अभी जस्ट ही 15-20 मिनट पहले ही हमारे गुरु जी यहाँ पे आए हैं बरनावा आश्रम में। तो जैसे ही साथ संगत को पता लगा है कि गुरु जी यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी धीरे धीरे, जैसे जैसे सबको पता लग रहा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे सभी साथ संगत आती जा रही है जी यहाँ पे अपने गुरु जी के दर्शन के लिए। रविता नाम है मेरा, मेरा दक्षिण ब्लॉक लगता है हमारा। डेरे पर पहुंचे हैं, किस लिए आए? हमारे गुरुजी आए उनके दर्शन के लिए आए। कैसे पता चला आपको?
हमें सुबह ही पता चल गया था, मैसेज आया था, इसलिए हम इस दर्शन करने के लिए आए, भैया और मेरी मम्मा वगैरह सब आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी। शालू इंसान कहाँ से आए हैं जी और यहाँ पे डेरे पर पहुँचे, किस लिए आए हैं जी? पिताजी के दर्शन करने के लिए, बहुत इच्छा थी हमारी पिताजी के दर्शन करने के लिए, पहले भी करके गए और अब भी बहुत मन है पिताजी के दर्शन करने के लिए। जी बताइए, अगर पिताजी सामने मिल जाते हैं तो क्या उनसे कहोगे, क्या मांगोगे? दोबारा न जाए, परमानेंट यही रहे। बस पिताजी से ये कहना है कि पिताजी फिर हमेशा के लिए यहाँ परमानेंट ही आ जाए। जो आरोप पहले लगे थे इन पर, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? जी तो सब अफवाहें, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे पिताजी ने इतने संस्कार दिए हैं, हमें इतनी मानवता भलाई के कार्य सिखाए हैं, जो भी हैं वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, हमने कभी ऐसा गलत काम करते हुए कभी नहीं देखा, सब बहन भाई सब प्यार से रहते हैं। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज, बागपत।